मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है किन भावों, यानी कि कौन से ऐसे भाव हैं जो हमें जिंदगी में राइज देते हैं, जिंदगी में वेल्थ क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। तो वह भाव हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, दसवां भाव और ग्यारहवां भाव। वैसे तो जीवन में हमारी जन्म कुंडली में जो 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव हमें को धन देता है, पर जिसे संसार धन समझता है, जिसे हम लोग धन समझते हैं, वो धन क्या है क्या नहीं है वो हम इन्हीं भावों के माध्यम से समझ पाएंगे। तो आपने सभी ने नोट कर लेना है, पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, दसवां भाव और ग्यारहवां भाव। ये 6 भाव हैं जो हमें धन देने में सक्षम है। धन कमाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भाव है वो पहला भाव है। पहले भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, एक एक करके बताएं। सिर्फ धन संबंधी बात को मैं करूंगा, जिस चीज का रिलेटेड धन से संबंध है। फर्स्ट भाव सर, मस्तिष्क बुद्धि को देखते हैं। बहुत बढ़िया, बुद्धि को देखते हैं। और दूसरा कोई जवाब देगा तो उसका आंसर मिल जाएगा, उसका नेचर। सर, अपने नेचर से वो अपना कितना अर्न करता है, नेचर से कितना अर्न करता है, एटीट्यूड। गुरुजी, स्वभाव क्रूर नेचर होगा तो उसको दिक्कत आएगी। नेचर से ज्यादा अच्छी बात है, क्या बोले, कूल नेचर होगा तो कॉन्फिडेंस, दिक्कत आएगी उसको लोगों से व्यवहार करने में, कमाने में। हाँ, अगर रफ स्वभाव है तो कॉन्फिडेंस, कोई बात। गुरुजी, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड। एटीट्यूड इज वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए, आपने कहा सबसे पहले हम बुद्धि को देखेंगे, फर्स्ट हाउस से, फिर हम वहां से देख रहे हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट भाव को अगर हम धन के लिए देख रहे हैं तो आपने वहां से देखना है एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, धन के प्रति व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, धन के प्रति व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज, तीसरा पॉइंट है लाइफ ग्रोथ, क्या वह चाहता है कि लाइफ में ग्रो करना, बहुत सारे लोग ग्रो करना भी नहीं चाहते, ये भी एक खासियत है। इंसान अगर अमीर बनना नहीं चाहता तो नहीं बन सकता, अगर इंसान अमीर बनना चाहता है तो अमीर बन सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पहला भाव ही उसका हेल्पर है और पहला भाव ही अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमीर बनने में पहला भाव ही सबसे बड़ा हेल्पर है और पहला भाव ही अमीर बनने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका लगन खराब है तो अमीर बनने का सपना इस जन्म में अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अमीर बनाने की जिम्मेवारी फर्स्ट हाउस पर ही होती है। इसीलिए एक इंसान अपने जीवन में कितना ग्रो करेगा ये लगन ही डिसाइड करता है, मतलब आपकी जिंदगी की उड़ान कितनी ऊंचाई तक उड़ान लोगे आप,
ये आपका लगन डिसाइड करता है। जैसे आपने कहा कि एटीट्यूड ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों का एटीट्यूड ठीक नहीं होता धन के प्रति। आप में से कितने लोग धन से प्यार करते हैं? सारे के सारे कहेंगे जी बिल्कुल करते हैं और 100% करते हैं। पर क्या हम अपने सपनों के मुताबिक सक्सेसफुल हैं इन फाइनेंशियल टर्म? ओनली इन फाइनेंशियल टर्म कह रहा हूं। अगर आप फाइनेंशियल टर्म में सक्सेसफुल नहीं है तो पक्का आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। आप धन को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाए और मैक्सिमम लोगों के यहीं पर समस्या मिलती है। हम दूसरे भाव को देखते हैं, 11वें भाव को देखते हैं, धन भाव के लिए कुछ राजयोगों को देखते हैं, परंतु फर्स्ट हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में राइज करने की। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब हम बिना मतलब की इधर उधर की बातें करने में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने पे दिमाग लगाते हैं, जब हम अपने पड़ोसियों को क्रिटिसाइज करने पे दिमाग लगाते हैं, जब हम बगैर मतलब के मुद्दों में घुस जाते हैं, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। धन क्या है क्या नहीं है इसको समझ नहीं पाते। धन आता है तो उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, धन को एक्युमुलेट करने का प्रयास करते हैं, धन को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, परंतु धन को घुमाने का प्रयास नहीं करते। जो व्यक्ति जीडीपी में सहयोग देगा वो ही वास्तव में अमीर बनने के श्रेणी में आ जाता है। हम कितने लोगों को रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों के लिए रोजगार का रास्ता मुहैया करा रहे हैं, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप जिंदगी में विस्तार जरूर लेंगे। इसको बढ़ाते जाओ आप पाते जाएंगे। धन कमाने का तरीका क्या है? धन कमाने का तरीका है आपको 60% जो भी आप कमाएं उसे खर्चे में डालना। अब चाहे इसमें आप पॉलिसी कराएं, कुछ भी कराएं, 60%, 30% सेव करना है आपने जितना भी कमाते हैं, और 10% आपने दान करना है। इस खर्च में सारी चीज शामिल है, आपके बच्चों की फीस, मकान के रेंट, गाड़ी का खर्चा, सब चीज इसमें शामिल कर लो आप। और अगर उसमें से भी बच जाए तो आप कोई पॉलिसी करा लो, कोई म्यूचुअल फंड में डाल दो, बाकी 30% आप बैंक में रखो। अगर आप इस रेशियो से आप चलना शुरू करें, कोई भी नौजवान व्यक्ति उस जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं झेलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम 60% को सेव करते हैं, 30% को खर्चा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितना ज्यादा सेव करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, और दान हम बिल्कुल क्रॉस मार देते हैं। कभी कभार क्या हुआ, 1 रुपया 10 रुपया कभी मंदिर जाते समय गलती से जाना हुआ दे दिया, उसे दान समझते हैं। 10% दान वाला कंसेप्ट हम मैक्सिमम लोग इस मामले में महाकंजूस होते हैं, और यहीं पर हम अपनी तरक्की को रोक बैठते हैं 10% के कारण। आप जान करके हैरान होंगे, आपकी बुद्धि की स्पष्टता दान से आती है, आपकी आत्मा का बल दान से बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी आत्मा का बल बढ़ेगा वैसे वैसे आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा खतरा होता है कि हमारा पैसा चला ना जाए, छूट ना जाए। और जो लोग 10% वाले इस मसौदे को नहीं अपनाते उनका पैसा फंसता ही फंसता है, और 10% फंसे, 20% फंसे, वो उसका राम जाने। धंधे का सबसे बड़ा वसूल दिल बड़ा रखो, धंधे का सबसे बड़ा वसूल दिल बड़ा करो। दिल बड़ा करोगे तो ही आप रिस्क लोगे। धंधे में रिस्क लेना ही पड़ता है, धंधे में खर्चे झेलने ही पड़ते हैं,
धंधे में पैसा फंसता ही फंसता है, ये मामूली बात है, इन बातों से मत घबराओ, बस अपने दिल को बड़ा करो। और दिल को बड़ा कर किया जाता है हमेशा दान पुण्य के माध्यम से, और कोई टेक्निक नहीं है दिल को बड़ा करने की। आप ये करते जाएंगे आप अमीर बनते चले जाएंगे। फिर भी फोकस ऑन योर फर्स्ट हाउस, आप जान के हैरानी रखेंगे कि हमने अभी सबसे पहली क्लास में बुध ग्रह के बारे में कहा और फर्स्ट आज मैं फर्स्ट हाउस के बारे में कह रहा हूं। आप जान के बड़ा हैरान होंगे कि पहला भाव और बुध का बड़ा गहरा संबंध है, पहले भाव और बुध का बड़ा गहरा संबंध है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बुध आ जाए तो इसे माना जाता है भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा, और विष्णु जी के तो चरण दबा रही है माँ लक्ष्मी जी, मतलब जो धन की देवी है वो तो श्री नारायण के चरणों में उसका वास है। और जब आप इस संसार में आए ही श्री हरि विष्णु की कृपा से हैं तो आप सोचिए क्या कमी रहेगी आपके पास धन की। शर्त क्या है, ये बुध अकेला ना बैठा, लगन में बुध अकेला ना बैठा। अगर लगन में बुध अकेला बैठ जाएगा धन तो आएगा पर वो खुद से नहीं कमाएगा, ये ध्यान रखना। खुद के दिमाग से धन नहीं कमाएगा, पैसा तो आ जाएगा फिर भी, पर अपने धन अपने दिमाग से नहीं कमाएगा। अगर लगन में बुध बैठा हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो आप ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति साक्षात विष्णु होता है, साक्षात नारायण होता है। नारायण का मतलब होता है जो दुनिया को रोजगार दे, लोगों को रोजगार दे। बुध की बहुत बड़ी ताकत है, जब भी वेल्थ एंड फाइनेंस की बात आएगी आपने कभी भी बुध ग्रह को इग्नोर नहीं करना। बुध ग्रह की जहां पर भी प्लेसमेंट है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बुध की ताकत को इग्नोर नहीं करना, नहीं तो ये वेल्थ वाला चैप्टर सारा जीरो हो जाएगा आपके लिए। तो लगन पर जब बुध बैठता है तो व्यक्ति को करोड़ों अरबों पति बनाने की ताकत रखता है। शर्त मैंने बता दी कि अकेला ना बैठो, अकेले की गारंटी नहीं है, किसी अन्य शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो बहुत उत्तम रहेगा। तो हमारी सोच को बड़ा करना है, हमारे दिल को बड़ा करना है। सोच और दिल अगर बड़े हो गए तो आपको धंधे में कामयाब होने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। आप ये सूत्र किसी को भी बता दीजिए, सदाबहार सूत्र है। लगन पंचम और नवम का सूत्र आता है इसमें, वो भी मैं आपको आज बताता हूं कैसे। किसी को कोई अपना काम बड़ा करना है, किसी को धंधा बड़ा करना है, लगन आपकी सोच है, लगन आपकी यानी कि थॉट प्रोसेस। पंचम आपकी बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है, क्रिएटिव बुद्धि है, क्रिएटिव बुद्धि है। नवम है आशीर्वाद, किसका आशीर्वाद, परमात्मा का। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिंदगी में कभी भी बड़े आदमी बनना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हो, अपने कुंडली के लगन पंचम और नवम को सही बना करके रखो, आपको जिंदगी में कोई ताकत नहीं रोक सकती। लगन से आपकी सोच, अगर आपकी सोच अच्छी है, आप जिंदगी में राइज करना चाहते हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। पंचम भाव क्रिएटिव बुद्धि, अगर आप में क्रिएटिविटी है, और पांचवे भाव से दिल भी देखा जाता है, चौथे भाव से भी दिल आता है, परंतु हृदय का एक छोटे से कॉर्नर नीचे का जो हिस्सा होता है वो पंचम भाव में फॉल करता है। तो एक प्रकार से जो दिल से हम काम करते हैं, दिल से जो काम है, जो रिस्क हम ले लेते हैं कई बार कि हमारा मन कर रहा है यार कि चलो ये तो कर लेना चाहिए और हम कर बैठे हैं, और वो कहते हैं यार दिल ने कहा और हमने कर दिया, ये वाली बात जो आती है पांचवें भाव से आती है। पंचम भाव आपका हृदय है, आपके दिल की ताकत पांचवे से देखे जाते हैं, दिल में कितनी ताकत है वो पंचम है। लगन अच्छा है, पंचम अच्छा है, तो नवम
आपका भगवान का आशीर्वाद। अगर ये तीन चीज आपस में मिल जाएं या तीन चीजें आपकी जीवन में ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अगर आप कुंडली दिखाने आता है, आप उसे कहिए आपके लिए जिंदगी में सारे रास्ते खुले हैं, आप स्वयं सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं। वो व्यक्ति जिस दिशा में भी कदम बढ़ाएगा, जिस क्षेत्र में भी कदम बढ़ाएगा, वो व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। ये लगन पंचम और नवम की ताकत है। जब ये खराब होते हैं तो सारी चीजें खराबे होने पे शुरू हो जाती है, पर लगन इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। लगन अच्छा होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सारे सूत्र हो गए, पर लगन पंचम नवम का जो सूत्र है ये धन तो देगा, पर किस प्रकार का देगा? एक धन होता है बहुत स्ट्रगल के साथ आता है, एक धन होता है बहुत मारामारी करके आता है, एक धन होता है जो बहुत ज्यादा घूसखोरी षड्यंत्र रच करके आता है, और एक धन होता है जो बड़ा शांति पूर्वक आता है, प्यार से आता है, मोहब्बत से आता है। ये लगन पंचम नवम का जो धन है ये बिल्कुल ऐसे ही आता है। इंसान को स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ता, इंसान को मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती, इंसान को किसी को दुश्मन नहीं बनाना पड़ता, इंसान को किसी को बद्दुआएं नहीं लेनी पड़ती। ये लगन पंचम नवम का जो धन होता है ये इस प्रकार से आता है। यहाँ बद्दुआएं नहीं होती, यहाँ बल्कि आशीर्वाद होता है। ऐसा व्यक्ति दान पुण्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो हमेशा अगर तीन भावों को आप अच्छा बना के रखते हैं तो धन बड़े आराम से आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से धन लेना है, कि कोई लोग ज्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते फिर भी धन कमाना चाहते हैं, उनके लिए लगन पंचम नवम वाला सूत्र धन कमाने के लिए बहुत उत्तम है। उन्हें इन तीन भावों की ही रेमेडी करनी चाहिए। अब हम चर्चा कर रहे थे, पहला भाव मैंने बताया था कुंडली का धन कमाने के लिए, अब है दूसरा भाव जिसे धन भाव कहा जाता है। ये धन भाव के नाम से प्रसिद्ध है, पर धन भाव कौन सा धन भाव? यहां पर तो आपको परिवार मिला था, कुटुंब मिला था, फर्स्ट हाउस में आपका जन्म हुआ, तो सेकंड हाउस में आपका आपको आपका कुंबा मिला, आपको आपका परिवार मिला, चाचा ताऊ मिले आपको इस जगह पे, दादा दादी मिले आपको इस भाव में। तो ये कौन सा धन भाव है? ये धन भाव है पिछले जन्म का, जो पूर्व जन्म में आप छोड़ के आए हैं, आपका ही कमाया हुआ धन जो पीछे आप छोड़ करके आ गए, वो आपको इस जन्म में आपके अपने कर्मों और आपको अपने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण आपको प्राप्त होना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पूर्व जन्म का धन जो आपका ही कमाया हुआ है और आप चाहेंगे कि पीछे का कमाया हुआ हमें मिल जाए, पर कुछ लोग कर्जा भी छोड़ के आते हैं पिछले जन्म में और कुछ लोग धन छोड़ करके आते हैं। धन का मतलब पुण्य, पुण्य छोड़ करके आते हैं। जो लोग पुण्य छोड़ करके आते हैं इस जन्म में उनकी कुंडलियां बहुत बेहतर होती, बहुत अच्छी होती है। आप देखते हैं ना पूर्व जन्म के जो दोष, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण का दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया, गुरु चंडाल दोष हो गया, विष दोष हो गया, तरह तरह के आप जो दोष सुनते हैं ये पूर्व जन्म के ही दोष हैं, यानी पूर्व जन्म के ही कर्जे होते हैं। जितने ये कर्जे बढ़ते चले जाएंगे आपकी कुंडली में, उतने ही आपकी कुंडली गरीबी की तरफ बढ़ेगी, दरिद्रता की तरफ बढ़ेगी, और जितने ही अच्छे अच्छे पुण्यदायक योग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके जीवन में, इस जीवन में धन बहुत ही आसानी से आएगा, बहुत इजीली आएगा। इसलिए सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रह हैं तो धन आने में बड़ी समस्या रहती है, धन इजीली नहीं आता उनकी जिंदगी में, और अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो धन इजीली आने के चांस होते हैं। पर कौन सा धन? ध्यान रखना, इस जन्म में कमाया हुआ धन नहीं, पिछले जन्म का कमाया हुआ धन जो इजीली आ जाता है। अब वास्तव में देखा जाए
धन की क्या डेफिनेशन? धन की तो कोई डेफिनेशन नहीं भाई। हमें कैसे पता चलेगा कि इस जन्म में जो हमें धन मिल रहा है ये पिछले जन्म के हिसाब से मिल रहा है, या इस जन्म में हर आदमी को इस जन्म में तो यही लगता है कि भाई धन मैं कमा रहा हूं। किस प्रकार का वो धन है उस मामले में तो कंफ्यूज है वो, टोटल कंफ्यूज है वो। तो इसका मतलब क्या निकलता है? दूसरा भाव जब आपके लिए पॉजिटिवली काम करता है, फिर से बता रहा हूं, जब दूसरा भाव आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करता है तो आपको पिछले जन्म की कमाई हुई विद्या का जो सूत्र है, पिछले जन्म में जो आपके धन कमाने के आइडिया थे, पिछले जन्म में धन कमाने की जो कला आपने सीखी थी, वो कला एकदम से एक्टिवेट कर देता है। मैं अक्सर कहता हूं धन कमाना एक कला है, धंधा करना एक कला है। जिन लोगों का सेकंड हाउस अच्छा होता है, ये कला बहुत पहले से, उम्र के बहुत पहले से इनकी एक्टिवेट होती है। जैसे हमारे जैसे लोग कहते हैं यार हम 42 साल के हो गए, हमें तो अभी तक ये नहीं पता, देख फलाने का बच्चा जो है ना इतना जल्दी तरक्की कर गया, देख धंधा कर गया, 22 साल की उम्र में धंधा शुरू करा, 25 साल में लाखों करोड़ों रुपए में आ गया। और देखो ये जो चीज आज हम समझ रहे हैं जिसकी इम्पोर्टेंस, वो ये पहले से ये अप्लाई कर चुका है। हम जैसे अपनी समाज में कहावत है कि बनिए का बच्चा जो है शुरू से ही व्यापारी है। अब शुरू से क्या व्यापारी है? अगर उस बनिए के बच्चे का सेकंड हाउस सही एक्टिवेट है या सही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसी बनिए के बच्चे का ही वो धन भाव अच्छा एक्टिवेट होगा, यानी उसमें धंधा करने की कला आएगी। हर एक बनिए के बच्चे में नहीं होती है चीज। बनिए के बच्चे तो झगड़ा करते भी बहुत फिरते, मैंने बहुत बनिए देखे हैं, बहुत झगड़ालू होते, बहुत मतलब एटीट्यूड और सारा चीज उल्टा सीधा मिलेगा उनका। तो मतलब जाति से नहीं है, ठीक है उनमें गुण है धंधा करने का, पर थोड़ा गुण है। अगर धन भाव जितना अच्छा होगा उस व्यक्ति में, पिछले जन्म के गुण धन कमाने से संबंधित जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे एक नेता का बच्चा, अगर सेकंड हाउस उसका सही होगा तो उसमें वो गुण आ जाएंगे पिछले वाले, और राजनीति करने के, पॉलिटिक्स करने के। इसलिए हर पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन हो कोई गारंटी नहीं। प्रमोद महाजन जब थे तो उसे चाणक्य कहा जाता था, अटल जी की सरकार के अंदर उनका बहुत बड़ा स्थान था। बिना पद पे रहते हुए भी जैसे आज अमित शाह की पोजीशन है, वैसे ही प्रमोद जी की होती थी, प्रमोद महाजन की होती थी। पर आज उनके बेटे को आप जानते ही हैं, वो राहुल महाजन, वो उल्टे सीधे कार्यक्रमों में आता रहता है और कहीं पॉलिटिक्स में उसका नाम नहीं। तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का सेकंड हाउस जरूर गड़बड़ मिलेगा, आप पक्की बात है, गारंटी नाप लें, मतलब तोल लें, चीजों को समझ लें। तो यहाँ शुभ अशुभ से भी ज्यादा बड़ा कंसेप्ट इस बात का है कि क्या ये सेकंड हाउस इसको मदद करता है कि नहीं करता। इसलिए सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सही पोजीशन बना करके बैठता है तो कुछ नहीं, उसको पुरानी चीजें याद आ जाती हैं ऑटोमेटिक, और वो इस जन्म में उसको अप्लाई करता है, उम्र से पहले ही वो धन कमाने लग जाता है और धन को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। कई बार गरीब घर का आदमी भी बड़ा अच्छा पैसा कमा जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया सेकंड हाउस वाला? इसलिए सेकंड हाउस को सही करने का उपाय करना होगा। तो आप जैसे ही सेकंड को, इसलिए आप देखो पहला भाव कहीं नहीं लिखा होता किताबों में, हमेशा लिखा आएगा दूसरा, छठा, दसवां, ग्यारहवां। इसे उपचय भाव कहा जाता है। उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? उपचय भाव 3, 6, 10, 11, तीसरा, छठा, दसवां, ग्यारहवां, ये उपचय भाव है। पर जब धन की बात आती है तो दूसरा भाव को पहले मान लेते हैं, सबसे पहले दूसरा, फिर छठा, फिर दसवां और फिर ग्यारहवां। ठीक है, तीसरा, छठा, दसवां, ग्यारहवां उनके लिए मानते हैं जो बिल्कुल नई मिट्टी से तैयार होते। नई मिट्टी का मतलब होता है बिल्कुल एक झोपड़ी से निकला हुआ आदमी है, उसको ज्योतिष ने रास्ता समझाया है कि अगर बेटा तेरे को जिंदगी में राइज करना है तो तीसरे में घुसना पड़ेगा, क्योंकि तेरी मजबूरी है, तेरे को पीछे से कुछ मिला नहीं है। तीसरा है मशक्कत, मेहनत। तो जब तेरे को परिवार से कुछ मिला ही नहीं है तो तेरे को तो मशक्कत करनी पड़ेगी, तेरी मजबूरी है,
छठे में घुसना पड़ेगा, तेरी मजबूरी है, और दसवां और ग्यारहवां तो हरेक के लिए अप्लीकेबल है। परंतु दूसरा, हो सकता है आपके खानदान से ही आपको बहुत कुछ मिल जाए, आपको बना बनाया धंधा मिल जाए, आपको बनी बनाई फैक्ट्री मिल जाए, तो कहां से आएगी? कुटुंब का है वो, सेकंड से है वो, ठीक है। हाँ मंजीत जी, गुरु जी आपने बताया कि सेकंड हाउस जो है अर्निंग है, लेकिन अर्निंग कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ। ये अर्निंग हम बोल देते हैं मंजीत जी, वैसे अर्निंग अर्निंग कुछ नहीं है, ये हमारे सेकंड हाउस मतलब अपने पिछले जन्मों के कर्म, हिसाब किताब है पिछले जन्म का। हिसाब किताब नहीं बोलना चाहिए, हिसाब किताब में तो अच्छे बुरे दोनों हो जाते हैं। अच्छा। मैं कहूँगा आर्ट है ये पिछले जन्म की कला, कि पिछले अच्छा। जन्म में आपने क्या कला सीख के आए हो, आप मरने मारने की कला सीख के आए हो, मतलब युद्ध कला सीख के आए हो, तो आपका इस जन्म में भी दिमाग जाएगा मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, मैं पुलिस में चला जाऊं, मैं एडवेंचर खेलूं, मैं डाकू बन जाऊं, मैं गुंडा बन जाऊं, मतलब आपके दिमाग में ख्याल और धंधे ऐसे ही आएंगे, या मैं बाहुबली नेता बन जाऊं, ख्याल ऐसे आएंगे, क्योंकि पीछे से आप सीख के वो आए हो, और उसी में कामयाब ज्यादा होंगे, अच्छे काम में कामयाब ही नहीं हो पाओगे। अच्छे और बुरे काम ये बस किस्मत की देन है। जी, आपने एक जो एक और चीज कही गुरुजी कि पिछले जन्म का आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है वो इस जन्म में आया हुआ है या गवाया हुआ है। भाई इंसान कर्जा भी तो छोड़ के मरता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं भाई। फलाने राम का ये गुजरात में क्या होता है, हुंडी चलती है, हुंडी हुंडी समझते हो आप? हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे एक पासवर्ड कोडवर्ड में लिख दिया जाता है इतनी रकम, मतलब आप जैसे और हम जैसे नहीं समझ पाएंगे उनको, गुजराती आपस में जो उनका एक विशेष ग्रुप होता है वो ही समझ पाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब गुजराती मरता है तो सारे रोकते हैं, जिनकी हुंडी लगी होती है वहां पर, मतलब जिनका पासवर्ड में कितना किस किसने लेना है। तो कहावत है कि वो इतना जोर के, वो ज्यादा जोर 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 के रोए तो समझ लेना पैसा इसका ज्यादा डूबा है। भाई वो मर तो गया पर वो पैसा इसी का सबसे ज्यादा लेके गया है, तो जोर जोर के करेगा। तो गुरुजी वाली बात है, बहुत सारे लोग कर्जे में भी चले जाते हैं जी। सो सेकंड हाउस में शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, इसका इस बात से कोई लिंकेज है गुरुजी? मंजीत जी, मंजीत जी मैं बताऊं, वास्तव में अगर मैं प्रैक्टिकल देखूं तो बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये पैसा निकालने की सुविधा है। अच्छा। पैसा पिछले जन्म से निकालने की सुविधा है। अगर शुभ ग्रह होंगे तो वो सुविधा आसानी से मिल जाती है, अगर अशुभ ग्रह होंगे तो सुविधा आसानी से नहीं मिलती है। अच्छा, ओके। गुरु जी, बहुत सारे कुंडली में तो मिक्स होते हैं, अशुभ ग्रह भी बैठे होते हैं, अशुभ ग्रह भी होते हैं, उससे हम क्या कैलकुलेट कर, कैसे कैलकुलेट कर? पहले तो रमेश जी आप हाथ किया करें ताकि मैं समझ पाऊं कौन पूछना होता है। ठीक है गुरु जी, आगे करेंगे। हाँ, तो जब शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं तो मिक्स रिजल्ट देते हैं। हाँ अमर जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार अमर जी। हाँ सर, ये सेकंड हाउस में जो भाव में जब बताया, इसके सर रेमेडी क्या हो सकता है? रेमेडी तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी, जनरलाइज्ड रेमेडी इसकी कुछ नहीं होती। हाँ हाँ सर, जैसा कि सर ऐसा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी राहु और शनि सर एक सर एक चीज मैं बता दूं। हाँ सर, प्रत्येक भाव हमारे जीवन के पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक भाव, उनका भाई खाता हिसाब किताब कुछ स्पेसिफिक भाव में होता है। जैसे अष्टम भाव, अष्टम भाव पूर्व जन्म के ऋणों को बताता है, कर्जे को बताता है, भाई कितना कर्जा आप पीछे, कौन कौन सा कर्जा छोड़ा है, कौन कौन सा नहीं, वो अष्टम भाव आपको बताता है, सारा समझाता है। आप बताइए क्या कह रहे थे अमर जी? हाँ सर, अगर सेकंड हाउस में जैसे बताया कि राहु और शनि एक साथ बैठते हैं, और राहु जो राहु के साथ जो जो दूसरा ग्रह भी बैठते हैं उसका आधा पावर आधा कर देते हैं, तो इसका कोई योग है क्या सर? योग नहीं है, बस वो उसका अपना अपना व्यवहार है राहु का। राहु हर दूसरे हर प्लेनेट के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है, उसको दबा कर रखना चाहता है, इसलिए उसकी क्षमता है। जैसे बाली नहीं था, बाली के सामने जो भी आके युद्ध करता, सामने वाले की ताकत आधी ताकत जो बाली में आ जाती थी, तो बाली तो डेढ़ गुना हो गया, और वो बेचारा 100 अगर किलो का था तो 50 किलो हो गया, तो उसकी ताकत तो बेचारे की आधी हो जाती थी।
और बाली की डेढ़ गुना हो जाती थी, तो वो कैसे जीत पाएगा, वो जीत ही नहीं पाता था। इसलिए राहु के साथ आने वाले ग्रह के साथ राहु किसी को जीतने ही नहीं देता। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुरु जी, राजेश बोल रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ हाँ जी, अभी जैसा मैंने समझा कि उसमें अगर क्रूर ग्रह रहेंगे तो बड़ी मुश्किल से पैसा आएगा, और अगर शुभ ग्रह रहेंगे तो आसानी से आएगा। सिर्फ राजेश जी, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, मैं सभी के लिए करेक्ट करना चाहूंगा। अगर पाप ग्रह रहे तो ऐसा जरूरी नहीं कि धन नहीं आएगा या बड़ी मुश्किल से आएगा, नहीं। सिर्फ पैसे को शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, सिंपल। पर जब एक बार रास्ता खोल देता है दूसरा भाव, आपकी कुंडली का दूसरा भाव जब एक बार रास्ता खोल देता है तो फिर वो बिल्कुल परवाह नहीं करता, धन फिर चाहे कितना मल्टीप्लाई होकर गया। इसीलिए आप ऐसे लोगों की कुंडलियों बड़े आराम से देख पाओगे जिनके सेकंड हाउस में शनि है या राहु है, और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पैसे, मतलब पैसे में कहीं कमी नहीं। जबकि शुक्र अगर बैठा है या बुध बैठा है या चंद्रमा बैठा है तो वह कमजोर है भी हो सकता है। ये हालात पर डिपेंड करेगा कि वह ग्रह जो बैठा हुआ है पाप ग्रह, वो आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, यानी कि वह शुद्ध है कि नहीं। फिर से मैं गोल गोल ना घुमाते हुए शुद्ध भाषा में समझाता हूं। अगर आपकी कुंडली में पाप ग्रह कोई भी अगर वो शुद्ध अवस्था का बैठा है और वो सेकंड हाउस में बैठा है तो बिल्कुल भी दिक्कत पैदा नहीं करेगा धन कमाने में, बल्कि धन को कमवाने में उसे मोटिवेट करेगा कि तू कमा कमा और ज्यादा कमा। उसके दिमाग में हमेशा यही घूमता रहेगा पैसा कि तुमको मल्टीप्लाई कैसे करना है और करूंगा ये चीज, बसरते वो शुद्ध बैठे। जब वो अशुद्ध होकर के पाप ग्रह सेकंड हाउस में बैठता है तो पैसे को रोकता है, फिर बहुत मशक्कत कराता है, मेहनत कराता है और भी पैसा बड़ा हार्डली देता है। अब फिर आता हूं, अगर कोई ग्रह शुभ ग्रह वो भी शुद्ध अवस्था का बैठा हुआ है, शुद्ध अवस्था का बैठा हुआ है तो वह बहुत धन देगा। तो मुद्दा क्या आ गया कि सेकंड हाउस में पाप ग्रह और शुभ ग्रह से भी बड़ा मुद्दा ये है कि वह ग्रह शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध जैसे मैंने आपको बताया, भाई देखने में तो बृहस्पति लग्न में बिठा दिया आपने और सेकंड हाउस में राहु को बिठा दिया, तो बृहस्पति हो गया अशुभ, कमजोर उसके डोमेन में आ गया। समझे बात? तो ये बृहस्पति अशुद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठ गया और पंचम में उसके शुक्र बैठ जाए, नवम में उसके राहु बैठ जाए, तो हो गया कांड, बृहस्पति अशुद्ध हो गया। अब ये कहने को तो हम कहेंगे कि बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा है और बड़ा अच्छा बैठा है जी, और जो यहां पर बेचारा दिक्कत में आ जाता है वो उसको अच्छा मान करके मान चलता है, और जबकि सामने वाला बंदा कहता है जी मेरे को बरकत नहीं हो रही, मेरे पास जितना पैसा आता है उतना खर्च हो जाता है। भाई वो बैठा है सेकंड हाउस में, वो बरकत होने नहीं दे रहा, बरकत का ग्रह तो गुरु था और वो ही सेकंड में बैठा था, उम्मीद तो ये थी कि पैसे को मल्टीप्लाई करेगा, पर इसने तो पैसे को बस आ तो रहा है शुभ के कारण, पर उसके पास बच नहीं रहा। पॉइंट समझे? अब सूर्य शुक्र किसी का एक साथ बैठ जाए कुंडली में, उसका राहु ऑटोमेटिक खराब, सूर्य शुक्र एक साथ बैठ जाए राहु ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। अब मान लीजिए राहु किसी का सेकंड हाउस में बैठा है और शुद्ध बैठा है, खूब पैसा देगा, दब के पैसा देगा, फिर आदमी सोचता है बेईमानी से कमा के लाया होगा, नहीं। मुद्दा कोई भी ग्रह पाप ग्रह भी शुद्ध हो सकता है और शुभ ग्रह भी अशुद्ध हो सकता है, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ओके ग्रह को शुद्ध देखें तो वहां पे वो पाप ग्रह भी हो और आपकी कुंडली में वो योगाकारी भी ना हो। मैं फिर से कह रहा हूं, बेशक ग्रह पाप ग्रह हो
और आपकी कुंडली के अनुसार वो योगाकारी भी ना हो, अगर वो शुद्ध अवस्था का बैठा है, अपने कारक चीजों की दुनिया भर की बढ़ोतरी कर देगा। सर शुद्ध का मतलब क्या लेंगे हम? मतलब सचिन, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ही हरेक के सूत्र होते हैं, जैसे मैंने बुध ग्रह के बारे में समझाया था आपको, है ना, ऐसे शुक्र इसके बारे में समझाया आपको, गुरु ग्रह के बारे में समझाया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो चीजों के मामले में ऐसा होता है, ऐसे हर ग्रह के नियम होते हैं। धीरे धीरे जब बाद में बात आएगी समझाता रहूंगा। जैसे आज बता दिया सूर्य और शुक्र साथ में अगर आ जाए तो समझो राहु खराब है, और वो राहु चाहे तीसरे में बैठ जाए, चाहे राहु छठे में बैठा दो, चाहे उसी राहु को ग्यारह में बैठा दो, राहु गलत असर देगा। तीसरे का बहुत अच्छा मानते हैं, छठे का बहुत अच्छा मानते हैं। अब बात ये है कि अगर ऐसे राहु को तीसरे में बिठा दो, छठे में बिठा दो। सर जरा दोबारा रिपीट कर दो, वो डिस्टरबेंस की फिर वजह से ठीक से सुनाई नहीं दिया। सिंपल मैं सूर्य और राहु, सूर्य और राहु नहीं, सूर्य और शुक्र ग्रह अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठे हो तो उसका राहु कहीं पर भी बैठे वो गलत असर ही देगा। जैसे कल शायद किसी ने पूछा था राहु अष्टम में हो तो क्या हो, ये सभी जगह लिखा है कि अगर अष्टम में राहु होगा तो चंडालवत होता है। मैं भी मानता हूं गलत है, पर अगर जरूरी नहीं हर केस में, जिनका सूर्य शुक्र एक साथ बैठा रहेगा, सिर्फ दो ग्रह होने चाहिए सूर्य और शुक्र एक साथ, तीसरा वहां शामिल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, कहीं तीसरा शामिल हो और आप कहो जी मेरा है मेरा। तो सूर्य शुक्र अगर इकले हो कंबस्ट हो तो ये समझो राहु अगर अष्टम में बैठेगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, और अगर नहीं है अष्टम में, अष्टम में राहु बैठा है सूर्य शुक्र एक साथ नहीं बैठे हैं, तो टेंशन मत पालो, फिर इतनी टेंशन नहीं है, फिर रेमेडी भी हो जाएगी। गुरु जी ये वीनस मतलब कंबस्ट होना चाहिए, कंपल्सरी हो? वीनस कंबस्ट हो तो ज्यादा राहु का असर खराब हो जाता है, अगर कंबस्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है, राहु तो शुद्ध नहीं हुआ पूर्णतः, पर इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा जितना वो दे सकता है। ओके ग्रेट, वो ज्यादा एक्सटेंड तक फिर रिजल्ट खराब नहीं करेगा। और किसी का कोई प्रश्न? आज्ञापाल तुसी दसो। सर ऐसा कैसे पता लगता है कि राहु अच्छा है शुभ अवस्था में बैठा सेकंड हाउस में, वो केतु अगर शुभ अवस्था में बैठा सेकंड, थोड़ा सा बता दीजिए सर। ये तो गुरुजी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो सर एक बात और पूछनी थी, जैसे कोई कहते हैं कि घर में रह के नहीं आप कामयाब हो सकते, घर से दूर चले जाओ फिर आप कामयाब, वो कैसे देखते हैं सर? ऐसा मुझे बहुत तो मैं बता चुका हूँ आज्ञापाल, पीछे भी कोर्सों में बता चुका हूँ, है ना, कोई बात नहीं, आप धन की जब बात आएगी ना जब मैं बता दू। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। और कोई बात? गुरुजी इसमें सेकंड हाउस में मंगल अगर उच्च का हो और साथ में केतु बैठा हो तो वैसे तो दोनों ही पाप ग्रह, तो उसमें हम क्या कैलकुलेट निष्कर्ष क्या निकालेंगे गुरुजी? हाँ मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ, ये पाप ग्रह या दोषी ग्रह अगर सेकंड हाउस में बैठते हैं तो पहले ये समझो ये करते क्या है, ये वाणी को बिगाड़ने का काम करते हैं। सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन पावर है सेकंड हाउस। देखिए कई बार लोग बेचारे सीधी बात कहना चाहते हैं पर सामने वाला उल्टी समझ लेता है, कहते सीधी है और सामने वाला उल्टा समझ लेता है। अब किसी के पिताजी बीमार हो और वो आकर के किसी उसको कहे सीधे आदमी को कि यार मेरे पिताजी बिल्कुल बीमार हैं और मरणासन्न स्थिति में है, और वो आंसर ये दे हाँ मरना तो है ही भाई एक ना एक दिन सभी ने, अब वो इतने में बुरा मान जाएगा, उसने गलत कुछ नहीं कहा पर सामने वाले को बुरा लग गया। अगर वो ड्रामा करके दिखा देता थोड़ी देर, अरे अच्छा ओए होए भाई भगवान से प्रार्थना करो भाई और तो क्या कर? उसने थोड़ा सा ड्रामा कर दिया तो सामने वाला खुश हो गया, और उसने कह दिया कि भाई मरना तो सभी ने, एक ना एक दिन सभी का नंबर आएगा, तो इस बात को बुरा मान। ये सेकंड हाउस का दोष है। जब सेकंड हाउस आपको डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे,
जैसे शनि सेकंड हाउस में डिप्लोमेटिक भाषा बुलवाता है, जबकि सूर्य बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा बुलवाता है। उल्टी बात, चंद्रमा सॉफ्ट बुलवाता है और गोल गोल घुमा घुमा के बुलवाता है, तो सारा दोष वाणी का आ जाता है। और वाणी का और कमाई का तो बहुत बड़ा साधन, कुछ लोगों को ही आदमी बात करता है कि साहब फलानी चीज करने से फायदा हो जाता है, कुछ की लोग मानते कुछ की नहीं मानते। बाबा रामदेव से पहले भी हिंदुस्तान में योग भी था, मेडिटेशन भी था और प्राणायाम भी था। बाबा रामदेव से पहले मैं ऋषिकेश में, हम एक आश्रम में, मैं जो है प्राणायाम और ये सब सीखने गया था, पर वो इस सीरीज में नहीं था जिस सीरीज में हम बाबा जी ने बनाया। परंतु वो भी बेचारे कहते थे, और नाक के अंदर वो घी भी डालते थे, सारे वहां पर क्रियाएं होती थी मैंने जो देखी। पर उनका उस समय तरीका थोड़े से डिफरेंट तरीका, मतलब प्राणायाम का तरीका वही था, और मेरे हिसाब से वो ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट, वो कहते थे जब तक कमर बिल्कुल सीधी नहीं होगी वो आसन, मतलब वो प्राणायाम करने ही नहीं देते थे, मतलब उनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। परंतु लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, और हम ये सोचते थे कि हम भी अंग्रेज बन गए, क्योंकि वहां आते थे हमारे बैच में सबसे ज्यादा अंग्रेज थे, तो उन्हें आधी इंग्लिश और आधी हिंदी करके बात करनी पड़ती थी, और वो इस तरीके से बात करते थे। पर जो हमारे वो बाबा जी थे, वो बाबा जी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो उन्होंने एक दो बंदे रख रखे थे जो इंग्लिश में अलग से उनको बताते थे। तो पर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल, मतलब ऋषिकेश में भी अवेयरनेस इतनी नहीं थी। जो लोग जाते थे जाते थे, मुझे भी एक अंग्रेज टाइप का बंदा में ही लेकर के गया था, मतलब उनको इन चीजों का बड़ा शौक था, वो विदेशी चीजों की तरफ बहुत ललायित रहता था, तो उसकी वजह से हम बाहर गए थे। तो आप ये समझिए, पर जैसे ही बाबा रामदेव ने बोलना शुरू किया, एकदम से अवेयरनेस फैल गई, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो ये बोली का ही तो कमाल था, ऐसा नहीं कि वो सॉफ्ट स्पोकन है बाबा जी, बाबा जी बिल्कुल फ्री स्टाइल बोलते। और मेरा जन्म नारनौल का है, और बाबा रामदेव भी नारनौल के पैदा, इसका मतलब ये नहीं कह रहा मेरी वाणी बहुत अच्छी है, मेरा कहने का मतलब है हम दोनों की भाषा बिल्कुल एक ही है। पर ये सेकंड हाउस का ही कमाल है कि उसके सेकंड हाउस में इतनी ताकत है कि उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो क्या करा रहा है, क्या कराने लगा। मुंगेर एक जिला है बिहार में, मुंगेर वालों की एक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, आज भी मैं मानता हूं उनसे बढ़िया योगा और मेडिटेशन पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करा सकता। उनके जैसी बुक्स बाबा रामदेव के संस्थान से ना आई है ना आ सकती है, इतनी ऑथेंटिक बुक्स वो लोग लिखते हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुंगेर पब्लिकेशंस के नाम से ही आता है, बिहार लिख करके और वो आता है उनका, इंग्लिश में आती है मैक्सिमम बुक्स, बड़े अच्छे, मतलब उनको मतलब ऑथेंटिक बुक्स हैं वो योगा के ऊपर या मेडिटेशंस के ऊपर। तो सारा खेल सेकंड हाउस का है, सेकंड हाउस जिसका इतना अच्छा है वो दुनिया तक अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब हो जाए। जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, उस प्रोडक्ट को आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हो, तो समझो आपके सेकंड हाउस की ताकत बहुत स्ट्रांग है। तो मुद्दा ये पाप का और पुण्य का नहीं। अब जैसे रमेश ने कहा कि मंगल पाप ग्रह होकर के उच्च का है और केतु के साथ है, पहली बात तो बता दूं मंगल सेकंड हाउस में निष्फल हो जाता है। निष्फल का मतलब हो जाता है कि जैसे मंगल उच्च का है तो उच्च वाले रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिखा पाता, नंबर एक बात। और केतु साथ में आ गया तो तपता कोयला है, तपता कोयला तो जवान को खराब करने वाला माना गया। जवान को खराब करने का मतलब यही है कि आदमी अच्छी बात से शुरुआत करता है और बाद में बहसबाजी के अंदर शुरू हो जाता है, तो उससे धन आने के चांस कम है। स्वेट मार्डन लिखते हैं कि कभी भी भूल करके ग्राहक के साथ बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ग्राहक के साथ बहस करोगे तो आप अपना ग्राहक खो दोगे। अगर लॉन्ग टर्म तक ग्राहक को बनाए रखना है तो आप बहस ना करें। इसलिए मैं डिस्काउंट पे बहस ही नहीं करता, मैं कहता हूं मैं तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट दे रहा हूं, 3000 में क्या डिस्काउंट दूं, तो रेट ही ऐसे रखता हूं ताकि बहस ही ना हो, उनको समझाना ही ना पड़े।
मैंने कहा भाई उसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं, भी दया इसमें भी दया नहीं आ रही तो तुम्हारी मर्जी। जी अमर जी क्या कह रहे हैं, अभी किसी ने कुछ बोला गुरुजी, उसमें फिर हम उपाय किसके करें, मंगल के करें या फिर शनि के करें क्योंकि शनि के घर में बैठा है, या फिर केतु के करें? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, शनि के घर में बैठा है तो है ना, इस तरीके से उपाय होते भी नहीं है। सबसे पहले तो मंगल और केतु के उपाय करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दिन रात मेहनत करो। दिन रात मेहनत का मत, तो हर आदमी कहता है मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर करता तो नहीं हूँ ना मैं। जी गुरु, तो मेहनत का मतलब अब ये करो कि आजकल मेहनत तो बची नहीं, तो ज्यादा बढ़िया है कि भाई एक्सरसाइज करो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, मतलब दिन में 2 बार पसीना निकलना चाहिए जिनके भी मंगल और केतु का योग है, नहीं तो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत जल्दी दे देते हैं, बीपी बहुत जल्दी हो जाता है, यंग एज में बीपी शुरुआत हो जाती है, और पेट में जलन होना, एसिडिटी होना जैसी समस्याएं बहुत जल्दी पाल बैठते हैं। मंगल केतु साथ होने से खाने पीने के शौकीन बना देते हैं, और शौकीनियत के चक्कर में वो अपना पेट भी खराब कर बैठते हैं, तो इसलिए खूब मेहनत करो यानी कि खूब एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ पार्क में अगर जिम नहीं जाना चाहते तो, और जिम जाना भी नहीं चाहिए हैं, वो मशीनी से ज्यादा बेटर है, वॉक करो दौड़ करो हैं, और ज्यादा बहस ना करो बस। ये सूत्र है, किसी से बहस ना करो। धन्यवाद गुरु। हाँ सोनल जी बताइए। सर अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह है ही नहीं तो फिर उस कंडीशन में हम उसके लॉर्ड को देखेंगे, ये भी कुछ अच्छा हो गया। लॉर्ड लॉर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड हाउस में राशि क्या फॉल करती है सबसे इम्पोर्टेंट। जी मिथुन राशि है सर। मिथुन राशि अगर फॉल कर रही है तो बुध की राशि हो गई। जी इस वाले में बुध को कहा जाता है बोलने वाला तोता, कि ऐसा व्यक्ति तोते की तरह बोलता है। अब तोते की तरह बोलने का तात्पर्य क्या है, मतलब यहाँ से सीख के जाएगा वहां से हु बोल देगा, मतलब जैसा भी वो बोलता है डायलॉग डिलीवरी वैसी वैसी कर देता है। कहने का मतलब ये, मतलब जैसे कि किसी ने सीखा ज्योतिष को, तो जो मेरी लाइन मुझसे सीखेगा तो मेरी लाइन ही सामने जाके बोल देगा, इसे बोलते हैं। पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इसमें बस कमी एक बात होती है, आदमी अपनी भाषा उपयोग नहीं कर पाता, बल्कि दूसरे की बताई हुई भाषा का ज्यादा मैक्सिमम प्रयोग दूसरे के बताए हुए शब्दों का ज्यादा करता है स्पेसिफिक चीजों को सीखते समय। ठीक है चलिए। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर हाँ करुणा जी। हाँ जी सर। सर अगर जैसे 3 कोई ग्रह बैठे हैं, सूर्य मंगल और मरकरी, जी 3 बैठे हैं और शनि की राशि है, ऐसे नहीं देखते, भाव बताइए कौन सा भाव है, कौन सा लगन है, जब मुझे समझ में आएगा। लगन 10 का है, मकर लगन है। हाँ जी। और सेकंड हाउस में अगर सूर्य मंगल और मरकरी 3 बैठे हैं, हाँ, तो इसको कैसे देखेंगे? अब आपने देखना है, देखिए सूर्य और मंगल दोनों कटु मतलब हार्ड प्लेनेट बैठे हैं और मरकरी सॉफ्ट बैठा है। अब ये क्या करेगा यहाँ पर कि कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी कर देगा, पर उस कम्युनिकेशन के अंदर फोर्सफुली लैंग्वेज का इस्तेमाल करना आदमी नहीं भूलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत हो जाता है, वैसे ही कम्बिनेशन कोई खास अच्छा कम्बिनेशन माना नहीं जाता। यहाँ पर मंगल पूरी तरीके से अच्छा असर देने में कामयाब नहीं होता, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में मंगल पूर्णतया अच्छा असर देने में कामयाब नहीं हो पाता। तो उसका असर कहाँ से पता चलेगा, मकर लगन। मकर लगन में मंगल किन भावों का स्वामी होता है, एक तो 11वें भाव का स्वामी, नहीं हाँ 11वें भाव का स्वामी होता है, और किसका होगा, चौथे का और 11वें का स्वामी होता है। तो चौथे से संबंधित उन्हें ज्यादा आराम तबीयत नहीं मिलती, आरामी नहीं मिलती। चौथे की जो क्या दिक्कत है कि मंगल जब अच्छा असर नहीं देगा तो मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती, मेंटल पीस नहीं रहता, घर के अंदर परेशानियां रहती है, घरेलू परेशानियां ज्यादा दिमाग खराब करती है। 11वां भाव एक्सपेक्टेड गेन उनको नहीं मिलता, यानी जितने की वो उम्मीद रखते हैं उतना उनको धन लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर गुरु जी इसमें शुक्र और जुड़ जाए, 4 ग्रह हो जाए,
अगर शुक्र ग्रह को जोड़ने से दो ग्रह आ जाएंगे, बुध और शुक्र, दो ग्रह सॉफ्ट प्लैनेट आ जाते हैं, उसमें फिर देखना पड़ता है कि भाई सूर्य के साथ कोई अस्त तो नहीं है, क्योंकि सूर्य से फिर अस्त होने वाला शुक्र एक ऐसा ग्रह आ गया, मंगल भी एक ग्रह आ गया, अगर अस्त नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सेकंड हाउस, हाँ फिर अच्छा हो गया, क्योंकि सेकंड हाउस हैवी हो गया, सेकंड हाउस हैवी हो गया, जो भाव हैवी हो जाता है फिर वो अपने रिजल्ट काफी अच्छे देता है, डोमिनेट करके रिजल्ट अच्छे देता है। सर गुरुजी यदि बोलिए गुरुजी यदि सिंह लग्न की कुंडली हो और सूर्य दूसरे भाव में बैठा हो तो इस केस में क्योंकि वो लग्नेश है और पाप ग्रह भी है तो इससे हम क्या प्रेडिक्शन करते हैं? सूर्य पाप ग्रह नहीं है, सबसे पहले बात बताऊं, सूर्य पाप ग्रह नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह हाँ, पाप नहीं है, पाप होता है नेगेटिव जी, क्रूरता होती है सिर्फ नेचर को खराब करता है, तो सेकंड हाउस में बैठे तो ये अच्छा नहीं है, किस चीज के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, बाकी ठीक है, उस व्यक्ति को मनी माइंडेड बना देगा। ठीक है गुरु जी। हाँ रुचि जी। सर हना सिंह लगन की फिर कुंडली है, अब सेकंड भाव में फिर राहु और सूर्य है। हाँ इट्स नॉट गुड। तो फिर सर क्या करना चाहिए? वो तो सारी कुंडली देखने के बाद समझ में आएगा। ठीक है तो जैसे ये बोल सकते हैं कि मंगल जब सेकंड हाउस में हुआ तो वो अशुद्ध, आप जो शुद्ध अशुद्ध की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अशुद्ध हो गया, अशुद्ध तो हो ही गया, क्योंकि वो वाणी देखो मंगल जिसका जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा उसको फालतू बोलने वाला आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। एक चीज का लक्षण मान लीजिए, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ताकतवर होगा शुद्ध होगा, वो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल लाइक नहीं करते जो आवश्यकता से अधिक बोले। सेकंड हाउस कम्युनिकेशन से, और मंगल को बहुत कम कम्युनिकेशन पसंद। मैं बोल रहा हूँ विश्वामित्र तीन बार आवाज मार दी। एक मिनट अभी विश्वामित्र से मेरी बात हो रही है। हाँ विश्वामित्र। सर वृश्चिक लग्न में जो है बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तो रिजल्ट देगा या खराब करेगा उसको? मैं ये नहीं बताऊंगा, ये अभी धन भाव से रिलेटेड बात हुई है। सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है तो ये आप पता करो, अब तो आप लंबा सीख गए। हाँ सीख गया था, सेकंड कोर्स तो है, कोई बात नहीं बताओ। सर सिंगल लग्न में, हाँ मैं बोलूँ सर? हाँ बोलिए। सिंगल लग्न में अगर सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है वो क्या धन भाव में शनि बैठ के वो क्या शुद्ध अशुद्ध होंगे, कैसे होंगे? पहली बात तो अगर अकेला शनि बैठा है या कोई और भी साथ शनि बैठा हुआ है, धन कारक है, बहुत अच्छा धन देगा, रुपए पैसे में मौज कर देगा, बड़ा मकान, बड़ी जायदाद और वाहन सब देगा। किसका है ये? किसका है ये? ये मेरा है। हाँ तो आपके तो मौज है। मणिमाला जी को बारे में मैं बता दूं, मणिमाला जी बहुत ज्योतिष की शौकीन है और आज से 10 या 11 साल पहले मेरे ख्याल से मणिमाला जी ज्योतिष सीख रही हैं और हमारे यहाँ गुड़गांव में ही रहती हैं और बहुत अच्छा इनका स्वभाव है। तो एक बार मैं भी इनके घर मेरा जाना हुआ था तो मैं समझ गया, फिर तो मैंने बिल्कुल सही बोला है मणिमाला जी। ये ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। एक चीज पूछूं? हाँ हाँ सर, एक चीज मैं पूछती हूँ। हाँ हाँ। जो कि मेरे हॉरोस्कोप में अभी ग्रहण दोनों का है, सूर्य या चंद्र दोनों का 12th हाउस में जाके ग्रहण हो गया। ग्रहण होने से सिर्फ बृहस्पति खराब हो गया, ग्रहण होने से बृहस्पति खराब हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो बृहस्पति मेरा बहुत अच्छा ही किया है, कोई खराब नहीं किया, 9th हाउस में बैठी हुआ है। 9th हाउस में बैठा हुआ अच्छा करे ये बात नहीं होती। एक फीमेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जुपिटर क्या है, जुपिटर उसके लिए क्या है, उसका दाम्पत्य जीवन, उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड का नेचर, उसके हस्बैंड की हेल्थ,
ये एक स्त्री को का जब भी आप किसी औरत के बृहस्पति को देखेंगे शादी होने के बाद, बिफोर नहीं, तो शादी होने के बाद अगर पति का काम धंधा ना चल रहा हो, पति की हेल्थ अच्छी ना हो, तो समझो गुरु अच्छा नहीं है, या पति का करेक्टर अच्छा ना हो तो समझो मामला गुरु से रिलेटेड है। किसका? महिला के गुरु से रिलेटेड है। महिला का गुरु जितना डाउन जाएगा उतना ज्यादा आफत पति पर आएगी। अगर पति बिल्कुल हेल्दी है, पति बिल्कुल स्वस्थ है, पति का करेक्टर बहुत अच्छा है, पति में किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, तो समझ लेना महिला का गुरु बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, हो सकता है हो, मैंने अभी कुंडली नहीं देखा है आपका, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, पर बताने के लिए कि बृहस्पति धन कई ग्रह देते हैं, केवल अकेला बृहस्पति नहीं देता, धन तो बुध भी देता है, हर ग्रह देता है, 9 के 9 ग्रह धन देते हैं और 12 के 12 भाव जो है धन देते हैं। मुद्दा है हर एक की किस्मत में एक तरफ का पैसा नहीं होता, किसी को छठे से पैसा आ रहा होता है, मान लो हस्बैंड वकील है तो पैसा छठे से आ रहा है, हस्बैंड जो है डॉक्टर है तो पैसा छठे से आ रहा है, अगर पति जो है दुकानदार है तो पैसा 7वें से आ रहा है। तो हर व्यक्ति के घर में धन अलग अलग रास्तों से आता है। अब कोई मेरे जैसा सेकंड हाउस से कमाने वाला है जो बोल बोल के कमा रहा है, भाई कोई आएगा उसे भी मैं बोलूंगा, आपको पढ़ा रहा हूं तो भी मैं बोलूंगा, तो पैसा सेकंड हाउस से भी आ रहा है। अब कोई दुख तकलीफ में आएगा तो मैं छठे भाव से भी कमा रहा हूं, तो दूसरा भाव भी मुझे पैसा दे रहा है, छठा भाव भी पैसा मुझे दे रहा है। धर्म कर्म कर्म कांड की मैं बात करूंगा तो 9वां भाव भी मुझे पैसा दे रहा है। तो 3 रास्ते हो गए जी पैसे का आने के, किसी का 1 रास्ता होता है, किसी का 2 होते हैं, किसी के 3, किसी का खर्चा करके भी पैसा आता है, वो बाहर जाता है विदेश में 12वें भाव में जाता है, वहां पैसा खर्चता है, इन्वेस्ट करता है, पैसा कमा के वापिस ले आता है, तो 12वें से पैसा कमा रहा है, किसी विदेशी कंपनी से टाई अप कर लेता है तो 12वें से पैसा कमा रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है तो 12वें पैसे से पैसा कमा रहा है। कहां लगन से? हर एक लगन सहायक है, या आप बेवकूफी करोगे तो मामला खराब हो जाए। ये जब हम भाव की बात करते हैं, पहला है, 5वां है, 9वां है, ये हमारे सपोर्ट सिस्टम है। हर व्यक्ति की जिंदगी में पैसा आने का मार्ग अलग अलग, आप कभी भी एक चीज पे फिक्स मत होइए। अगर सही ज्योतिषी बनना है, जैसे हम शॉर्टकट में कह देते हैं गुरु धन कार का, नो डाउट गुरु जो धन कार का, गुरु बचत कार का, ये बिल्कुल है, परंतु ये नहीं कि वो पैसा का, वो धन का कारक है गुरु, धन कमा के ला के देने वाला नहीं है। कमाएंगे तो दूसरे ग्रह, कमाने की जिम्मेवारी गुरु की थोड़ी है, आप सोचिए गुरु की नहीं है, गुरु तो धन का खजांची है, वो आपके धन को सेव करके रख रहा है। आप सोचो कि गुरु पैसा कमा कमा के ला के देगा, ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी। पैसा तो भैया राहु कमा के देगा, पैसा तो शनि कमा के देगा, कि पैसा तो बुध कमा के देगा, पैसा तो शुक्र कमा के देगा, पैसे तो ये कमा के देने वाले ग्रह हैं, इनका बेचारों का नाम नहीं आता, इनका गुंडागर्दी में नाम आ जाता है ना, राहु में। देखिए बिना राहु के आप पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, समझ लीजिए, इसलिए उसको प्लानिंग का और स्ट्रेटजी का प्लान। आप अगर किसी स्ट्रेटजी के तहत, आप जब भी धंधा चलाओगे किसी स्ट्रेटजी के तहत चलाओ, अगर आप बिना स्ट्रेटजी के धंधे में घुस गए, धंधा वापस आपको मार दे, आपको खत्म कर देगा। बिना प्लानिंग बिना स्ट्रेटजी के कोई आदमी धंधे में घुस जाता, धंधा उसको खत्म कर देता, तो वो राहु ही तो है प्लानिंग और स्ट्रेटजी, पहला रोल ही राहु का आ जाता है। अब किसी का राहु अच्छा नहीं है तो हम उसे कहते हैं भाई तू दुकानदारी कर ले, तेरे को प्लानिंग बाजार का कोई कॉर्नर देख ले बढ़िया सा, या कोई शॉप देख ले, भीड़ भाड़ वाला इलाका देख ले, और अपना माल लाए जा और बेचे जा, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुझे, और काम भी ऐसे ही कर तू जिसमें चीजें बिकती रहे बस, जिसमें ये दिमाग ना लगाना पड़े कि कोरोना के कारण 6 महीने बाद क्या हो, ऐसा धंधा उसे कभी नहीं करना। अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम कर रहा तो उसका राहु सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो मारा जाएगा, कितना अच्छा डेवलपर क्यों ना हो, सॉफ्टवेयर नहीं बेच पाएगा। तो हर आदमी हर काम नहीं करता। चलिए।
हाँ साहिल बोलो। सर मीन लगन है और सेकंड हाउस में मेष राशि पड़ती है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब अब पढ़ रही है तो पढ़ी रही है भाई, मैं हर एक मीन लगन में। हाँ वो तो पढ़ रही है, मुझे अपना सवाल आप आ रहा ठीक ढंग से? नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसमें कोई ग्रह बैठा है क्या सेकंड में? नहीं सेकंड में कोई ग्रह नहीं है। फिर टेंशन फ्री रहो, फिर टेंशन फ्री रहो, जब मैं बताऊंगा सेकंड हाउस कैसे एक्टिवेट करते हैं जब आप सोचना। ओके उसका स्वामी बैठा है लगन में मंगल। मेरा एक टॉपिक है हाउ टू बिकम अ रिच, डाला है पर ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, और पूरे 15 के 15 क्लास में यही पढ़ाना है मैंने, हाउ टू बिकम रिच। समझ गए बात? मैं सीरीज से नहीं पढ़ाता हूँ कभी भी, मेरा पहला चैप्टर कुछ होगा तो पता नहीं मैं 7वें से शुरू करूँ या 6ठे से, है ना? तो पर मैं करा करके जाऊंगा आपको ये भाव कैसे एक्टिवेट किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते हैं, आप कैसे अपने आप में धन संबंधी चीजों में लाभ कमा सकते हैं, उस सब चीजें मैंने इसमें कमानी है। कौन सी पूजा पाठ करने से धन संबंधी दिक्कतें नहीं आती हैं वो भी मैंने बताना है इसमें, है ना? मैंने श्री साधना का भी रखा है। अब श्री साधना का मतलब ये नहीं कि मैं आपको श्री जी सिद्ध करनी बताऊंगा, पर श्री साधना का मतलब एक प्रकार से धन की साधना कैसे की जाती है, धन को ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए क्या उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है ठीक। और सर आप योगा के बारे में बोल रहे थे ना, वो भी हार्ट स्कूल ऑफ योगा है। हाँ हाँ उनकी बुक्स हैं काफी फेमस, हार्ट स्कूल ऑफ योगा मुंगेर। हाँ हाँ वही वही मुंगेर, उन्हीं की मैं बात कर रहा था, मुंगेर पब्लिकेशंस। इट्स वेरी नाइस बुक। गुरुजी मेरा भी मीन ही लगना है पर राहु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, उसको कैसे फिर देखेंगे हम? कोई बात नहीं आज्ञापाल, मैंने है ना बताया ना मैं सेकंड हाउस एक्टिवेट करना बताऊंगा। नहीं कहते ना कि जे 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचे इसको तब भी धन का लाभ होगा, वैसे नहीं होगा अगर राहु बैठ जाए सेकंड में। अरे नहीं नहीं ऐसे उड़ती उड़ती बातें ना सुना, छित्र भी पहन दे वो सर पता ही है, इसे करके फ्रॉड नहीं होता साढ़े को। वो पंजाबी विच कहने छित्रोल पहने ने। ठीक है चलो थैंक यू।